नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल ए फॉर ऑल में। आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय सभ्यता और कला का एक अद्वितीय प्रतीक है, भारतीय साहित्य और वास्तुकला की महानता को प्रतिष्ठित करती है। हाँ दोस्तों, हम आपको ले जा रहे हैं अदालत स्टेपवेल की खोज यात्रा पर, तो चलिए शुरू करते हैं। अदालत स्टेपवेल गुजरात राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह स्थान गुजरात की नगरी अहमदाबाद से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित। यह एक पुरानी बावड़ी है जो मुगल कालीन संस्कृति का उदाहरण है और इसे सन 1499 में महाराजा वीर सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। सबसे पहले, यदि आप अदालत स्टेपवेल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं तो इसका समय जानना महत्वपूर्ण है। स्टेपवेल प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, जिससे आपको उसकी सुंदरता का पूरा आनंद लेने का पर्याप्त समय मिलता है। वन व्यक्ति के लिए प्रवेश टिकट दैनिक 25। इस टिकट की सहायता से आप अदालत स्टेपवेल के अंदर जा सकते हैं और उसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। वन विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश टिकट दैनिक 300। विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से टिकट की दर निर्धारित की जाती है। अगर आप एक विदेशी पर्यटक हैं तो यह टिकट आपके लिए होगा। जब आप पहली बार अदालत स्टेपवेल के पास पहुंचते हैं, आपको इसकी शानदार वास्तुकला से प्रभावित होने का अनुभव होता है। इसमें मुख्य रूप से गुजराती स्थानीय वास्तुकला की विशेषताएं शामिल हैं। स्टेपवेल की ऊंचाई और चौड़ाई उत्कृष्ट शिल्पकला के साथ गुठलियों और मोमबत्ती की रोशनी का अद्भुत संगम है। यह स्टेपवेल, जिसे अन्य नामों में वाव और बावड़ी भी कहा जाता है, एक प्राचीन इंजीनियरिंग श्रृंखला है जो पानी की संग्रहण और समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां आपको गुजराती स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा। चलिए इसे और नजदीक से जानते हैं। यहां परंपरागत स्थानीय जीवन और वास्तुकला के संगम का अद्वितीय अनुभव होता है। जब आप स्टेपवेल के भीतर चलते हैं, आपको अदालत स्टेपवेल के अंदर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इसकी सुंदरता, संगठन और अद्वितीय आर्किटेक्चर ने इसे एक मनोहारी और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना दिया है। इसकी अंदरूनी महाद्वार से यह स्टेपवेल एक सुंदर वातावरण के बीच स्थित है जो पर्यटकों को शांति और आत्मीयता की अनुभूति कराता है। इसकी मंजिल की ऊंचाई से आप चारों ओर फैली हुई अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहां से आप खुद को एक मधुर वायुमंडल में गिरते हुए महसूस करेंगे। यहां घूमते समय आपको अदालत स्टेपवेल की भव्यता और दृश्यों का आनंद लेने का समय मिलेगा। इस विश्व धरोहर स्थल के प्रत्येक कोने में आपको बड़े पत्थरों, कार्विंग और मनचाहे आर्किटेक्चरल विवरण मिलेंगे। आप उन अद्वितीय बावड़ियों और पीरों की गहराई में खो जाएंगे जिन्हें सौंदर्य और विज्ञान ने मिलाकर बनाया है। जब आप बावड़ी के नीचे आते हैं तो आपको उसकी महत्वपूर्ण वास्तुकला और सुंदरता का अनुभव होता है। इसमें सुंदर मंडन, कार्विंग और जाली काम का प्रयोग किया गया है जो इसे एक संगठित और अद्वितीय बनाता। इस स्टेपवेल को मुगल सम्राट अकबर ने आपत्तिजनक लकीरों के कारण अदलज, अप्राकृतिक कहा। इस अदालत स्टेपवेल की यात्रा में हमने अपनी संगीत, आवाज और आत्मीयता के साथ एक अनुभव बांटा है। हमें उम्मीद है कि आपको इस यात्रा का आनंद मिला है और आपने अदालत स्टेपवेल की अद्वितीयता और महत्वपूर्णता को समझा है। इसे एक आदर्श प्रवास स्थल के रूप में गुजरात के इतिहास में मान्यता दी जाती है और यह आपके अनुभवों की यादगार बनेगा। यह स्टेपवेल स्थानीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इसे बावड़ी के चारों ओर स्थित छतेदार आरामदायक कक्षों के लिए उपयोग किया जाता था, जहां लोग अपने अवकाश के समय विश्राम करने आते थे। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमने अदालत स्टेपवेल के आदर्श सौंदर्य और मानव निर्मित श्रृंखला के रहस्यमय विश्व को जाना है।
हमें गर्व है कि हमने आपको इस विशेष स्थल के बारे में बताया है और आपके साथ इसकी यात्रा की है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगामी यात्राओं में सहभागी हो सकें। फिर मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।